बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था बुक पे कि मैम मुझे समझ में आया नहीं आया है, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपको मुझे रिस्पॉन्स दिया। आपको जैसे ही ग्रुप पर रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए, इससे क्या होगा बेटा कि हम लोगों को पता चलेगा ना कि आप कितना समझ रहे हो, कितना सीख रहे हो। सो वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिए ग्रुप में। और उसी के साथ हम लोग आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बेटा आप सबको पता होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन्स वो होते हैं, जैसे अगर मैं उसकी डेफिनेशन बोलूं, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। यही होती डेफिनेशन किसी वस्तु, व्यक्ति या नाम के नाम या स्थान का जो बोध कराते हैं उसको समझा कहते हैं। बट अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम इज सुंदर, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख दिया कि राम इज सुंदर, ठीक है, राम जो है वो गायक के गाना गाता है, तो अब इसमें से क्या पता चल, क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें से नाउन क्या है? है तो ये जो राम वर्ड है, ठीक है, ये क्या है? कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, ठीक है, राम, और इसी बात लड़के का ही नाम होगा, ठीक है। सो इट्स अ नाउन, कैसे? क्योंकि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है? एक लड़का है, एक इंसान है, तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। इस जो है ए एंड सिंगल, ठीक है, ये इसके साथ लगाने के बाद मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जब हम लोग किसी वर्ड की शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ पे ताजमहल होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दू, ताजमहल होता, या कोई नाइफ होती, कोई थिंग होती, सो इट्स ऑल्सो अ नाउन, क्योंकि इट्स अ प्लेस एंड इट्स अ थिंग। ये तो पढ़ते ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग, एनिमल, लाइक यू नो लाइन। तो ये सब चीजें जो भी हैं, जो भी हमारे डेफिनेशन में बताई गई है, ये सब क्या है? नाउन है, ठीक है। सो ऐसे अगर हमें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये सब क्या है? नाउन है, ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नाउन नेमिंग वर्ड। नाउन भी वही होता है, और इसको जब हम लोग इलेबरेट करते हैं किसी चीज में,
डॉक्टर, ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे मैं टीचर, ठीक है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो पर्सन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आगे मैं आदमी इंसान है, वुमेन, बॉय, डॉक्टर, टीचर, गर्ल, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, पर्सन में आ जाते हैं। अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेस, ठीक है, नाउन देन पर्सन देन प्लेस, तो अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो प्लेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया ताजमहल आ जाएगा, इट्स ऑल्सो अ प्लेस, राइट, पार्क, ठीक, ये भी होगा, हाँ मैंने लिखा कानपुर, इट्स ऑल्सो अ प्लेस, ठीक है, और रिवर, इट्स ऑल्सो अ प्लेस, ठीक है, फॉरेस्ट। सो ये सब जो चीजें होती है ये किसमें आएंगी, हमारी प्लेस में आएंगी, क्योंकि पर्सन हो गए, प्लेस क्या क्या होती है, जहां कोई जगह के बारे में, कोई प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर थिंग्स के बारे में, थिंग्स क्या क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा नाइफ, ठीक है, प्लेट, गैस स्टोव, और क्या क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोक, ठीक है, स्पून, सो दीज आर द थिंग्स, ओके, ये होता है ना टब, बॉटल, ये सब क्या होती है, हमारी थिंग्स होती है। जब हम नाउन के अंदर थिंग्स की बात करते हैं तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा, नेम वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे वी आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक थिंग, राइट, नाइफ सबको पता है क्या होता है, छुरी होती है, प्लेट सबको पता है क्या होती है, प्लेट होती है, तो ये एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि नाइफ में हम कुछ और भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने पूरा पूरा नाम लिखा है, ठीक है, नाइफ मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे किसी नाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नेमिंग वर्ड बेटा वो होते हैं जब हम किसी चीज का स्पेसिफिक नाम फोकस करते हैं। अब मैन है तो जरूर सी बात है कोई आदमी ही होगा, हम यहाँ पे किसी औरत को तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि ये मैन है, औरत तो रहेगी, तो जब ये स्पेसिफिक कोई चीज को शो कर रहा है कि नहीं ये मैन भी है, तब क्या हो जाएगा, हमारा नेमिंग वर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वुमेन लिखा है, अब चाहे तो इसमें लड़की को तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि लड़की क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, और यहाँ पे तो औरत के बारे में बात हो रही है, राइट, वुमेन के बारे में बात हो रही है, ना तो हम यहाँ पर मैन को ऐड कर सकते हैं, ना हम यहाँ पर बॉय ऐड कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर गर्ल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट अ वुमेन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक चीज, किसी पर्टिकुलर चीज को शो किया जाता है। अब हम आते हैं प्लेस पे, ताजमहल तो सबको पता है, ताजमहल एक ही है, हम इसमें चाहे तो आगरा तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है, हम इसमें कानपुर, दिल्ली, मुंबई तो ऐड कर नहीं सकते, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अ ताजमहल, ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट अ ताजमहल। ऐसे ही पार्क है, पार्क में हम रिवर को तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है, फॉरेस्ट ऐड नहीं कर सकते, पार्क के बारे में बात, पार्क मतलब क्या है, जहाँ पे लोग खेलते कूदते लोग टहलने जाते हैं, तो इसी तरीके से जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं या उसको समझाते हैं, देन वी यूज नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, ये डिफरेंस होता है नेमिंग वर्ड में, जब हम किसी एक चीज को पर्टिकुलर चीज को शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। अब हम लोग आते हैं एनिमल्स पे, मैं इधर लिख देती हूँ एनिमल, एनिमल्स जैसे अभी बताया था मैंने लायन, ठीक है, टाइगर, कैट, डॉग, एलिफेंट, ऐसे, तो मतलब जो भी है, अब लायन को क्या मैं टाइगर बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ टाइगर, ठीक है, कैट को मैं डॉग नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ अपना एक स्पेसिफिक थिंग है जो वो लोग करते हैं। सो इसी तरीके से जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, सो प्लीज आस्क मी, ओके। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने थिंग्स बताया, नेमिंग ऑफ ऑल वर्ड्स आर नाउन,
करने वाले हैं एक्सरसाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नेमिंग वर्ड्स। अब इसी की हेल्प से हम लोग आज की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉक कर देती हूँ। आपको आप चाहे तो ये जो भी मैंने अभी लिखाया है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं बेटा आपके पास बुक्स है, आप बुक्स में इजीली देख सकते हो। अगर आप नहीं है बुक्स नहीं अभी आपने ली है तो आप ले लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। और प्लीज मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आप प्लीज ग्रुप में जरूर पूछिए। टीचर्स आर देयर यू नो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आप नहीं पूछोगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप प्लीज ग्रुप में पूछिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन गिवन स्पेस। अब क्या करना है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सेंटेंस है इसमें से आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मोहिनी इज अ गुड डांसर ये लिखा है, तो मोहिनी इज अ गुड डांसर। मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको समझा दे दूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। लिखे हुए वर्ड्स इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इन सब के साथ मैच
फिर लिखा है फूड, ए ईयर एंड आईज, ये लिखा है। आप देखिए इसमें क्या समझना है आपको, नोज इज अ बॉडी पार्ट, माउथ इज अ बॉडी पार्ट, ईयर इज अ बॉडी पार्ट एंड आईज इज ऑल्सो अ बॉडी पार्ट। ये सब तो क्या हो गए, ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब एक ही ग्रुप के हैं, बॉडी पार्ट है। बट ये जो फूड है क्या ये बॉडी पार्ट है? जी नहीं, ये बॉडी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इनके ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है, राइट। अगर यहाँ पर भी कोई बॉडी पार्ट लिखा होता तब तो ठीक होता कि ये इनके ग्रुप के साथ मैच हो जाता, बट ये जो फोर वर्ड्स है ये और ये सब बॉडी पार्ट है, ठीक है, इनका एक खुद का ग्रुप है। बट ये जो फूड है इट्स नॉट अ बॉडी पार्ट और ये ग्रुप में एड नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इसको सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरह नीचे है बनाना, एप्पल, पपाया, पोटैटो, मैंगो। अब क्या है, बनाना, एप्पल, पपाया और मैंगो तो फ्रूट्स हैं, बट क्या पोटैटो फ्रूट है? नहीं है, वो क्या है, वेजिटेबल है। तो आपको पोटैटो को सर्कल करना है, बहुत इजी है, आप इसको कर लो जाए दोस्तों। तो आप इसको करिएगा, सर्कल करिएगा बुक में ही। और नीचे लिखा है राइट डाउन द नेमिंग ऑफ पिक्चर, आपको ये पिक्चर को देख के इसका नाम लिखना है, बहुत इजी है। और आप लोग क्लास वन में हो तो आपको ये चीजें खुद से करनी है, पिक्चर्स देखकर उनका नाम नीचे स्पेस पर लिखना है, ठीक है। तो आज का आपका इतना ही चैप्टर था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, और नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। एंड आई होप कि मेरा जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होप।